नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ब्रो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ब्रदर का जो प्रिंटर आता है आपका लेजर का, ये 2130, इस प्रिंटर का हम कैसे सर्विसिंग करें, कैसे डिसमेंटल करें और क्लीनिंग कैसे करें, मैं आपके आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसकी जो ट्रे है वो निकाल लीजिए। ट्रे के बाद जो आपका फ्रंट कवर होता है उसको खोल लीजिए और साइड में जो एक लॉक होता है, यहाँ आप देख रहे होंगे एक लॉक लगा रहता है और ये इसमें गियर फंसा रहता है, इसको आप निकाल दीजिए जैसे ये। और इसमें दो पेच हैं, वो पेच को भी आप यहाँ से निकाल देते हैं। दोस्तों तो ये आपका जो फ्रंट ट्रे है ये हट जाता है। इसके बाद आपकी जो साइड कवर्स हैं इसको आप बड़े आराम से निकाल लीजिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें यहाँ साइड में ये लॉक दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको पेचकश से हल्का सा उठाएं, जो बैक से इसको भी आप इधर से उठा दीजिए। इसके बैक में भी लॉक होता है और इस तरह से ये आपका जो साइड कवर है इसको आप निकाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों इधर का जो आपका साइड कवर है और इसको आपको निकालना है, इधर से भी आप इसके ऐसे ही लॉक को उठाएंगे और बड़े आराम से इसको उठाते हुए और इधर से जो आपका अंदर एक लॉक है इसको आप ये आपका इधर का भी कवर साइड कवर निकल गया है। इसके बाद ये आपका जो फ्रंट का है उसको निकालना है। इसके लिए इधर साइड में दोनों तरफ लॉक दिए हुए, इसको आप थोड़ा सा आराम से उठा लें और इसके बाद यहाँ साइड में कवर है, यहाँ लॉक है, इधर साइड में लॉक है, इसको उठाएं और सेंटर वाले लिए लॉक को उठा लें और थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करें, पीछे की तरफ, ये आपके लॉक निकल जाते हैं इस तरह से। इसमें ये लॉक लगे हुए तो आपका ये फ्रंट कवर निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों अब आप इसका जो बैक कवर है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। इसके लिए ये पहले जो आपकी देख रहे हैं ब्लैक कलर की जो इसमें ये लगी हुई है इसको आप लॉक निकाल लीजिए बड़े आराम से। इसके बाद दोस्तों ये आपका जो वाइट लगा हुआ है पट्टी इसको भी निकालना है। इसमें आपके दो स्क्रू लगे हुए हैं, इनको बड़े आराम से आपको खोल लेना है। ये आपकी प्लेट लगी है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये आपको निकालना है पूरी प्लेट इसकी। दोस्तों साइड की पट्टी जो है निकाल दी अपन ने। इसके बाद इसको भी बड़े केयरफुली आपको निकालना है। देखिए इसके बाद ये आपकी फ्यूजर असेंबली होती है, इसकी सर्विसिंग करनी, साफ ऑफ करना है इसको। इसको भी निकालने के लिए आपको इसके जो लॉक्स हैं इसको खोलना है। यहाँ से इसको कनेक्टर ये वाइट ये रेड दोनों को निकाल दीजिए और साइड से ये पावर सप्लाई से इसका कनेक्शन हटा दीजिए और इसमें से आप इसको निकाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों इसमें दो एक पेच लगे हैं लेफ्ट राइट में, इसको दोनों को आपको निकालना है ऐसे। दोस्तों ये आपको इधर साइड का भी पेच निकालना है इस तरह से। दोस्तों ये आपका जो फ्यूजर असेंबली है इसको आप आराम से बाहर आपके निकल जाएगी इस तरह से। इसमें से आप निकाल दीजिए वायरों को
ये आपकी दोस्तों फ्यूजर असेंबली बाहर आ जाती है। ऐसे ही दोस्तों ये साइड से आपके जो लॉजिक कार्ड लगा हुआ है इसके सारे कनेक्शन हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हैं सर्विसिंग करते के लिए। प्लस ये आपकी जो लेंस असेंबली है इसको भी आप खोल के साफ कर सकते हैं, इसको भी साफ़ करना है। चार पेच आप इसमें से निकाल दीजिए, इसके बाद इसमें साइड में जो लॉक है उसको निकाल दीजिए और पूरे को साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से, इसको कॉटन कपड़े से आप पोंछ के फिर से इसको बंद कर दीजिए दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने आपको अपनी वीडियो में ब्रदर का जो प्रिंटर है आपका HL2130 जो प्रिंटर है इसको कैसे इसकी सर्विसिंग करें, कैसे इसको क्लीन करना है आपको और कैसे इसको डिसमेंटल करना है, तो खोलने का जो तरीका है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया दोस्तों। इसके बाद इसकी पूरी सर्विसिंग करें आप और किसी भी लिक्विड चीज़ का इसमें यूज़ ना करें। जो आपको वाइट ग्रीस आता है तो इसमें जो गियर्स हैं हल्के हल्के दरारियाँ उसमें लगाएं, पूरी सर्विसिंग कर लें और उसके बाद इसको रिबिल्ड करें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इसको कैसे हमको डिसमेंटल करना है वो मैंने आपको बताया। अब मैं अपनी सेकंड वीडियो में इसको कैसे अपन रिबिल्ड करेंगे, कैसे इसको पूरे को इंस्टॉल करना है वो अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।